नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। साल 2020 खत्म होते होते भी जहां दर्द देकर जा रहा है, वहीं इस साल हमने ऐसी बहुत सी शख्सियतों को खो दिया है जो भारत की राजनीति में भी एक बड़ी भूमिका अदा करते थे, जैसे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी भी कोरोना की चपेट में आ गए और 31 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया। लेकिन निधन से पहले उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका पब्लिश होना अभी बाकी है। ये साल 2021 में सबके लिए उपलब्ध हो पाएगी, लेकिन उससे पहले जो जानकारियां प्रणब मुखर्जी की किताब से निकलकर सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि प्रणब मुखर्जी की कांग्रेस से भी अच्छी खासी नाराजगी थी। अपने संस्मरण में प्रणब मुखर्जी ने साफ साफ लिखा है कि उनके सर्वोच्च संवैधानिक पद पर चुने जाने के बाद कांग्रेस राजनीतिक दिशा से भटक गई। मुखर्जी ने अपने किताब में लिखा है, कुछ पार्टी सदस्यों का मानना है कि अगर 2004 में प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनते तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए करारी हार वाली नौबत नहीं आती। हालांकि इस पर मुखर्जी ने इत्तेफाक रखने से इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा, मैं ये मानता हूं कि मेरे राष्ट्रपति बनने के बाद पार्टी नेतृत्व ने राजनीतिक दिशा खो दी। सोनिया गांधी पार्टी के मामलों को संभालने में असमर्थ थी, तो मनमोहन सिंह की सदन से लंबी अनुपस्थिति से सांसदों के साथ किसी भी व्यक्तिगत संपर्क पर विराम लग गया। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते रवैये से नाखुश प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री और उनके प्रशासन के कामकाज का प्रतिबिंब होती है। डॉक्टर सिंह गठबंधन को बचाने में व्यस्त रहे, जिसका शासन पर असर हुआ, जबकि नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल में शासन की अधिनायकवादी शैली को अपनाए हुए प्रतीत हुए, जो सरकार, विधायिका और न्यायपालिका के बीच तल्ख रिश्तों के जरिए दिखाई दी। मुखर्जी अपने निधन से पहले संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स को लिख चुके थे। रूपा प्रकाशन इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए काम कर रही है। ये साल 2021 में पाठकों के लिए उपलब्ध होगी। प्रणब मुखर्जी का कोरोना वायरस संक्रमण के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण 84 साल की उम्र में निधन हो गया। किताब के जरिए कांग्रेस के संदर्भ में मुखर्जी की टिप्पणी ऐसे वक्त में सामने आई है जब पहले से ही आंतरिक कलह और बाहरी उथल पुथल से जूझ रही है। आपको बता दें, अपनी इस किताब में पश्चिम बंगाल के गांव में बिताए गए बचपन से लेकर राष्ट्रपति रहने तक के उनके लंबे सफर पर रोशनी डाली गई है। रूपा प्रकाशन ने शुक्रवार को ऐलान किया कि मुखर्जी के संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स को जनवरी 2021 में वैश्विक स्तर पर जारी किया जाएगा। फिलहाल प्रणब मुखर्जी की तरफ से की गई कांग्रेस पर टिप्पणी को लेकर आपका क्या कहना है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।